कैसे गुड जी। फायदा हो गया ना आपको राशन के आने का? ऑब्वियसली ऑलवेज सूद ला लोगे ना? ऑलवेज वो कहते हैं ना, यू हंट इन पेयर्स। यस वी डिड वंस अंटिल आई गॉट सैक्ड बाय यू। पाजी पुरानी गल्ला भूल जाओ। भूल गए, लेट्स बी प्रोग्रेसिव। नहीं उसके बाद मजा ले फॉरवर्ड वो मजा ले रहा हूं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके चलिए इसके आगे क्या है? इसके आगे क्या है? आगे बहुत कुछ है भाईजान। खबरें भाई, खबरें आ रही हैं एचडी, वो खबरें आ रही हैं एचडी तो छोड़े, ये एचडी को छोड़ के जाने के चक्करों में खबरें आ रही है मियां। ये जाएगा तो मुझे खुशी होगी भाई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से भी खबरें आ गई हैं। पाकिस्तान तो छोड़े आप अभी 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 यहाँ पे अभी तो है ना हमारे साथ। ओके अपना राइट, लेट्स स्टार्ट क्योंकि अब आप आ गए। ट्रिब्यूट टू जिमी एंडरसन फर्स्ट। चले आ जा भाई जिमी एंडरसन। Fitness, a looks, the art of taking wickets, and a supreme committed guy. Commitment. और उसके लिए मेरे ख्याल में जो नासिर हुसैन ने बोला था ना, याद है आपको? नहीं मैं नहीं। ओह अमेजिंग अमेजिंग स्पीच। जब उसने मेरे ख्याल में 500 आउट किए थे, the Nasir came to give him a cap, and उसका शुक्रिया अदा करने गया था। क्या खूबसूरत बोला यार। और आज ब्रॉड को खड़ा करके उन्होंने, अकेला खड़ा हो जाओ भाई यहाँ पे, क्यों नहीं कोने में खड़े हो जाओ, खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाएंगी एक मिनट की। दिस इज द रिवॉर्ड। और इसकी खुशी जो है ना वो सदियों याद रहती है। जो जेस्चर ऑफ काइंडनेस होते हैं ना वो सदियों याद रहती है। वो खड़ा करके उसको अकेला यहां खड़े हो जाए, ब्रॉड साहब यहां खड़े हो जाए। 511 उनके भी आउट है, ठीक है जी, बोलिए तो 13 तालियां बजाएंगी। और थैंक यू किया गया सर आपका, बहुत शुक्रिया। आपने ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलर बनकर 500 आउट किया। जिमी एंडरसन का भी यार एक एक ट्रमेंडस रिकॉर्ड है। और इसी लम्हे में मुझे डेल स्टेन भी याद आता है, 93 432 टेस्ट विकेट्स हमने टेस्टों में 400। माय लॉर्ड, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। उनको के बहुत मसाइल थे एज कंपेयर टू जिमी एंडरसन। यस, और आई थिंक के जिमी एंडरसन के आज अगर एफर्ट देखें ना, आज एफर्ट देखें, सारा दिन एफर्ट देखें, कमिटमेंट, वो जो अभी आपने वर्ड बोला कमिटमेंट, अमेजिंग यार। आज भी लेंथ पे जोर लगा रहा, आज भी वो हर चीज कर रहा है जिसपे इंग्लैंड टेस्ट मैच जीते। वो ये नहीं चाहता मैं 600 आउट हूं, वो ये चाहता है कि टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट मैच जीता वो मेरे नाम हो। व्हाट अ कमिटमेंट, व्हाट अ गाय। और कह के आया सिलेक्टर को, कह के आया एड स्मिथ को कि पाजी हाले में थके या नहीं थके, मेरे को लोगों से पूछ लो। सो ठीक है, वन मोर ईयर फॉर हिम एंड गुड लक टू हिम। व्हाट अ सर्वेंट ऑफ द इंडियन रियाज। 56 टेस्ट मैचेस, अब ये देखें सिर्फ स्पैन देखें, 156 56 भी टेस्ट मैच खेलना बड़ी बात है। बट व्हाट अ सुप्रीम एथलीट और व्हाट अ सर्वेंट ऑफ इंग्लैंड। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ फास्ट बॉलर दैट आई हैव सीन। और ऑलराउंडर तो तुमने बताया था डॉक इन बॉथम, एट सॉफ्ट टाइम यार। ऐसे यार देखने को कम लोग मिलते हैं और जितना भी इनको चैलेंज किया जाए उतना कम है। आई थिंक वी शुड ऑलवेज पे ट्रिब्यूट टू हिम, नॉट दैट ही इज रिटायर्ड ऑलरेडी, दैट यू नो, बट वी नीड टू चेरिश दिस मोमेंट्स of Jimmy Anderson, I think is one of the best players. जबरदस्त। और आपने इन बोथम की बात की ना, he was not only an all rounder, he changed the mindset of English cricket. English cricket, yes. Mindset ही change कर दिया था जो 60s में खराब हो गया था। राशिद भाई जी सर वेलकम। थैंक यू सर। और अब आप फिट फुट होके आ गए? हाँ अभी थोड़ा कल काफी टाइम लगेगा क्योंकि मुझे फुटेज चाहिए होते हैं, मैं निकलवाया नहीं है। वो कोई बात नहीं, फुटेज निकलेगी। लेकिन मुझे आप एक चीज बताएं, जो आज एक चीज आप टेक्निकली एक्सप्लेन करें कि ये वही अजहर अली थे जो हम देखते आए ओवरसीज, इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था। आज वसीम भाई ने तो अच्छी पलटी मारी कमेंट्री में, उन्होंने कहा यार अभी पिछले 5 टेस्टों में तीसरा 100 है, 50 की एवरेज है, बट ओवरसीज ही हैड स्ट्रगल्ड। 12.5 की एवरेज थी, 12.35 की। आज ऐसे लग रहा था, विच यू हैव टू एक्सप्लेन टू ये नाजरीन को आप बताएं कि कुछ चेंज था उनमें, चाहे खड़े होने में चेंज था, चाहे उनके पिछले टेस्ट में भी था। ओके ठीक है, सेम जो पिछले टेस्ट की टेक्निक थी, टेक्निक नहीं मेथड, टैक्टिक्स, क्योंकि टेक्निक आप इतनी जल्दी चेंज कर नहीं सकते ड्यूरिंग द सीरीज। तो आप अपने हल्के से आप ओपन खड़े हो गए, पांव बाहर लेके आ गए, पिछले टेस्ट में भी किया था, लेकिन क्या 80 बॉल खेल के 20 रन बनाए थे। अभी के पिच में पेस शायद ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैनेज होते रहे, क्योंकि मोस्टली इनका ये बैट एक क्रॉस जाता है, ये पांव इधर जाता है, तो उसे मिस करेंगे लेग बिफोर, तो बहुत सारे लेग जो रिसीव जो इनके आउट थे वो लेग भी फोर थे, क्योंकि ये बॉटम एंड थे, बैट आपका मिड ऑन पे फिनिश कर रहा है और पाऊ आपका मिड ऑफ पे जा रहा है तो क्रॉस हो रहा है, कैंची होगी। तो उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिसबा और यूनुस ने थोड़ा सा ओपन किया,
शोल्डर ओपन करके आपका पांव बाहर लेके चले गए, ये पांव जाएगा ही नहीं वहां पे ना, लेट हो जाएगा, लेट खेलेंगे okay. क्योंकि रिलीज पे ये जा चुके होते थे, रिलीज से पहले दो स्टेप करके प्लान कर चुके होते थे, जो हील लगी थी पहले टेस्ट मैच में याद होगा आपको, और पैड पे बॉल आगे लग गई तो लेट हो गए, यहीं पे खेल रहे हैं। तो क्या इस पिच में वो पेस नहीं थी जो कि पिछले टेस्ट मैच में, तो मैंने जो नहीं लगा यहाँ पे, जब आप सेट हो गए और फिर उसके बाद इन्होंने शुरू में सारी ट्राई इनको यहां कर ली, यहां मैनेज करने लगे तो वो बाहर आए, बाहर थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ आए जिसपे उन्होंने अपना हाथ खोला और फिर रुके ही नहीं और बहुत एक्सलेंट बैटिंग की है। मेरे ख्याल से जब से इनके नी का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद सबसे बड़ी इनिंग है इनकी आज, और मैनेज किया अभी भी, और ये अपने नी को सही रखें, इशू नी नजर आ रहा है। मैं जो थोड़ा बहुत आज देखा ना इनको इशू नी का, क्योंकि जब जिस बॉल पे चौका मारा जिस पे 100 हुए हैं उस पे बैलेंस आउट हुआ था, लग रहा है कि नी पे, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं, ट्रेनिंग करें हर शोएब की नी भी इसी तरह से थी कभी कभार, लेकिन क्या मैनेज करना पड़ेगा इसको, ये स्ट्रांग होगा तो ये मजीद रन कर सकता है। अच्छा, दूसरा जो नीस का प्रॉब्लम है ना, ऑलमोस्ट पूरे फर्स्ट क्लास में आ गया, पूरे फर्स्ट क्लास में आया। रीजन वाई, योयो टेस्ट। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मुझे बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, बहुत सारे, इतना भगा रहे हैं। कोई लड़का ऐसा नहीं जो टेप नहीं बांध के नीस पे भाग रहा। यार खुदा रहा, स्किल्स पे काम करो, स्किल्स 10 ओवरों से पता चलती है, वो इनसाइड द ग्राउंड पर।